अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोगों में? करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अब ये ब्लॉग कंटिन्यू मैंने किया हुआ है, मैंने सहरी आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी। तो अब मैं सुबह उठने के बाद जल्दी से लग गई थी, पहले मैंने लहसुन अदरक पीसा, ख़त्म हो गया था क्योंकि ईद भी आ रही है। और उसके बाद मैंने मैरिनेट कर ली थी चिकन, तो उसके बाद मुझे कैमरा ऑन करना याद आया। तो ये सबसे पहले मैंने 2 किलो चिकन ली थी, उसके अंदर मैंने दही ऐड किया, उसके बाद इसके अंदर एक सिंधी बिरयानी का मसाला ऐड किया। आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, आप घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, पिसी कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन और जो साबुत गर्म मसाला होता है, मैंने ओवरऑल सारा ऐड कर दिया था इसके अंदर। और थोड़ा सा साथ साथ अब चीज़ें, ये वाली जो मेन चीज़ थी नमक, सब मैंने ऐड करके इसको रख दिया, पता नहीं और जर्दे का रंग, सब ऐड करके अच्छी तरह से अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए, मैंने आधे घंटे से रखा हुआ था, अब मैं स्टार्ट कर रही थी प्याज को फ्राई करना। तो मैंने सबसे पहले ऑयल गरम करने के लिए रखूँगी इसके अंदर, सबसे पहले प्याज काट लेती हूँ। ऑयल गरम हो रहा था तो मैंने कहा जल्दी से प्याज कट कर लूँ, प्याज को अच्छी तरह से कट करके और फिर मैं फ्राई करने के लिए रख दूँगी। फ्राई करने के बाद जो प्रोसेस होगा फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था और मैंने टमाटरों को काट लिया था गोल गोल से, ये कम अज़ कम आधा किलो से ज़्यादा टमाटर थे। और ये मैंने प्याज को इस तरह से अच्छी बहुत प्यारे सा कलर में मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, इसको क्रश करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। धनिया पुदीना काट के मैं पहले से डाल चुकी हूँ, अब उसी प्याज के ऑयल में मैं टमाटरों को और हरी मिर्चों को मैं डाल के इसके अंदर सॉफ्ट करूँगी इसको, ताकि ये चिकन की हमारी बहुत जल्दी गल जाती है और वैसे मैरिनेटेड भी है, तो मैं चाहूँगी टमाटर जल्दी से गल जाएँ और फिर हम उसके बाद चिकन का अपना जो है ना पूरा बैटर डालें, क्योंकि चिकन जो है ना गोश होता है ना, तो हम गोश को गलाने के बाद भी टमाटर डालें तो कोई मसला नहीं, तो गोश में गल जाता है गाय के गोश में, मगर बकरे का गोश हो कोई सा भी गोश हो, मगर इसमें ये होता है कि चिकन बहुत जल्दी से गल जाती है और फिर टूटने लगती है। तो अब मैंने इसके अंदर प्याज, धनिया, पुदीना डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और मैं इसके अंदर एक लीमू का रस भी ऐड करूँगी और उसके लीमू के छिलके भी काट के ऐड कर दूँगी। ये अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी और आप चाहें तो ये ईद पर बना सकते हैं बिरयानी, आप रात को चांद रात वाले दिन इसको मैरिनेट करके रख दें और सुबह उठ के इसका कोरमा बना लें और चावल से इतनी मज़ेदार आपकी बिरयानी बनती है, यकीन करें आपको बहुत अच्छी लगेगी आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि इतनी जूसी चिकन हो जाती है और इतना जूसी आपका फ्लेवर आता है बिरयानी में, इतनी मज़े की बिरयानी बनती है कि आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आप लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बनती है। अब आप लोग को ये करना है कि सबसे पहले टमाटरों को सॉफ्ट करने के बाद सब पूरी ये मैरिनेटेड चिकन जो है ना इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इसको बार बार हिलाना नहीं है क्योंकि मैं ये ज़्यादा हिलाने से चिकन टूट जाएगी, क्योंकि चिकन बहुत सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है। तो अब इसको मैं मिक्स करूँगी और थोड़ी देर में, मतलब ज़्यादा ऐसा लगे कि आपको बहुत देर हो गई तो एक आध दफ़ा बाद आपका इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि आपका कोरमा नीचे तो नहीं लग रहा। तो ऑयल आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि बिरयानी में ऑयल कम ना हो जाए चावल के हिसाब से, ठीक है ना। अब ये 2 किलो चिकन थी और चावल भी 2 किलो ही था, तो उस हिसाब से मैंने चिकन ली है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कोरमा रेडी हो गया। मैंने गर्म मसाला भी ऐड किया था, अगर मैंने बताना मैं भूल गई, तो गर्म मसाला भी मैंने ऐड किया था इसके अंदर पिसा हुआ अपना होम मेड जो गर्म मसाला है, और उसकी रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है, आप चाहें तो उसको बना सकते हैं अपने घर में। और ये यहाँ पर मैं चावलों का अदन रख दूँगी, मैंने बड़ी पतीली ली थी, कम से कम 3 से 4 किलो के करीब, 5 किलो के करीब की पतीली है बड़ी, और इसमें सब कुछ धनिया, इसमें पुदीना, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, इसमें थोड़ी सी ज़ीरा और इसमें ऑयल डालकर मैं इसको पानी को पकने और नमक डालकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल डाल दूँगी, बाकी का प्रोसेस आप लोगों को सबको पता है, मेरी और भी रेसिपीज़ बिरयानी की अपलोड हैं, तो मैं बस जल्दी ली क्योंकि अब रोज़े का टाइम करीब आ रहा होता है ना, तो मैं इसके बीच बीच में काम करते करते नमाज भी पढ़ी मैंने, ज़ोहर की पढ़ी, फिर मैं बाकी काम करने आई, तो अब असर की नमाज़ पढ़ के मैं चावलों के पास आई हूँ क्योंकि बहुत टाइम तेज़ी से भाग रहा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं पूरा पूरा रिकॉर्ड करूँ। या धनिया पुदीना मैंने जो है ना दम के लिए सब कुछ, यहाँ केवड़ा, धनिया पुदीना और बिरयानी का जो एसेंस होता है वो सब कुछ मैं यहाँ पर साथ एक साथ सेट करके रख रही हूँ, ताकि मुझे जब तेल लगाने का टाइम हो तो मुझे परेशानी ना हो। बस जल्दी जल्दी से मैंने चावल जैसे बॉयल हुआ है तो तेल लगा दी थी और पता नहीं रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, क्योंकि तेल लगाने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो मेरा स्टाइल, वैसे तो मैं हाफ हाफ लगाती हूँ, आज मैंने हाफ हाफ नहीं लगाया, आज मैंने टाइम बहुत शॉर्ट था
और रोज़े का टाइम भी हो रहा था, तो हसन ने मुझे कहा था कि तुमने बिरयानी बनाई भी, तुमने खीर भी बनानी थी मुझे, तो तुम इफ्तारी मत बनाना, सिर्फ शरबत बना लेना, वो बाकी जो है मैं चीज़ें जब अम्मी के घर से आऊँगा तो मैं लेते हुए आ जाऊँगा। वो अपने अम्मी घर पर गए थे कुछ उनको सामान वगैरह देने, तो वहाँ से जब आएंगे तो वो हाफिज़ से कुछ चीज़ें ले आएंगे। तो मैंने अजहान से कहा था तुम वहाँ की रिकॉर्डिंग ज़रूर करना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और वहाँ की बेकरी की छोटी सी क्लिप्स बना के लाना, तो वहाँ से अजहान क्लिप्स लेकर आएगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था और इसके अंदर लजीज़ा खीर मिक्स का साशे ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने आज होममेड नहीं, मतलब अचानक से खीर बनाने का प्रोग्राम बना था, तो मैंने कहा ये क्विक सी जो खीर है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो मैंने जल्दी से इसको इस तरह डाला। और चीनी मैंने थोड़ी सी बस अपने पास से ऐड की थी, वरना इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोग चीनी कम खाते हैं तो आप लोग को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चीनी ऐड करने की, आप उसी के अंदर जितनी मिकदार होती है उसी को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी निकाली थी, खीर मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी ये देखें, और पानी मैंने निकाल लिया था बिरयानी की शक्ल देखें, इतनी यम बिरयानी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर मैं फातिया करूँगी और अपनी अम्मी के नाम की और अपने ससुर और जितने भी मेरे मतलब मेरे ताया अबू और मेरे दादा दादी जितने भी लोग हैं तो उनको एहसाले सवाब करूँगी, और फिर उसके बाद बिरयानी बांटूँगी। तो यहाँ पर अजहान उनेजा और सब जो है नाबी सब चले गए हुए थे और मैं और अब्बू ही थे, तो मैंने कहा कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा था इफ्तारी का, तो मैंने अब्बू को बिठा लिया था कि अब्बू आप जल्दी से ना धागा बांधते जाएँ, मैं पैकेट बना रही हूँ। और ये क्लिप भी अब्बू ने रिकॉर्ड किया था, मैंने कहा अब्बू आप कैमरा पकड़ें और ज़रा ना मैं बिरयानी निकाल के दिखाती हूँ ज़रा कि अपने यूट्यूब फैमिली को कि कैसी लुक आया है। तो देखें माशाल्लाह से इतनी खिली खिली बिरयानी और इतनी परफेक्ट बिरयानी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। तो ये आज ही मतलब मैंने सोचा कि व्लॉग जल्दी से अपलोड कर दूँ, क्योंकि अब चांद रात कल अगर हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा। तो ये अब्बू जल्दी जल्दी से धागा बांध रहे मतलब रबड़ चला रहे और मैं जल्दी से इसको कर रही थी पैक। और ये है वो प्लीज़ जो अजहान रिकॉर्ड करके लाया था, ये है हाफिज़ स्वीट की सारी चीज़ें, ये बाहर का है एरिया और अंदर ये है, रश इतना ज़्यादा होता है वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ फ्री बट रही है, तो मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ कि अंदर की चीज़ें सब। ये लोग घर आ गए थे, मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी, चिकन स्टिक्स और समोसे थे और रोल थे और जलेबी थी, मैंने तरबूज काटा था, शरबत बनाया था, और इन्होंने कहा कि बस खाना खाएंगे बिरयानी। तो बस ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।